सत श्री अकाल जी, सुरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। खबरों के इस बुलेटिन सब तो पहली खबर किसानी अंदोलन के बारे ही जानांगे। किसानी अंदोलन के चलते हुए पंजाब के किसानों वालों हुण तक का सब तो वड्डा एक्शन जिहड़ा आ ओह कीता जा रहा है। 26-27 अक्टूबर पूरियां 50,000 ट्रालियां लैके किसान दिल्ली वाल धावा बोलणगे। नाल ही चेतावनी दे दिती है कि राह विच जेकर किसी ने रोकिया तो इसकी जेकर कोई भी घटना वापरती है तो उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी। पर इस नाल ही खबर यह भी है कि दिल्ली पुलिस के वलों किसान जथेबंदियों नूं राजधानी के रामलीला ग्राउंड विच एक्शन करन दी जां धरना देन दी इजाजत नहीं दी गई। हुण किसानां दा अगला वड्डा कदम की होवेगा दसांगे खबरां दे विच। पंजाब दे विच रेल गड्डियां चलन देनियां हन जां फिर नहीं, माल गड्डियां दे नाल नाल यात्रू गड्डियां भी, इस बारे फैसला होवेगा अज, क्योंकि अज चंडीगढ़ दे विच किसान जथेबंदियां दी अहम बैठक हो रही है। कई वड्डे वड्डे फैसले ले जाणगे, इस खबर दे बारे विच करांगे चर्चा। भारत दी सरकार सिखां दी सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं तोड़ना चाहुंदी है, क्योंकि इस सरकार लोकतंत्री सरकार नहीं सगो ईवीएम मशीनां दे नाल बनी हुई है। अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने केंद्र सरकार उत्ते साधे तिखे निशाने। इस दे नाल ही अहम खबर है कि मन्ने परमन्ने पंजाबी इंडस्ट्री दे अदाकार योगराज एक नवी पार्टी बनाउन जा रहे ने, जिस करके उन्हां ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं कांग्रेस पार्टी छड के अपने नाल आके काम करन दी दित्ती है ऑफर। पंजाब विच पानी दा पद्धर लगातार हेठां जाण ते पंजाब सरकार दे वलों चुके गए ने सख्त कदम। आम लोकां उत्ते होणगियां सख्त पाबंदियां ते जमीन दे विचों पानी कढ़न उत्ते भरनी पवेगी वड्डी भारी रकम। इस दे नाल ही लोक इंसाफ पार्टी दे विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने भी पानिया दे मसले नूं सुलझाउण वास्ते अहम लड़ाई विढ दित्ती है। बैंस दा कहना है कि जे राजस्थान पत्थर दे पैसे वसूलदा है, बाकी दे सूबे लक्कड़ दे पैसे वसूलदे ने, तां पंजाब सरकार भी राजस्थान तों पानी दी बणी कीमत 16 लाख करोड़ रुपए वसूल करे। बिहार विच चोणां जित्तण तों बाद बीजेपी हुण पंजाब दे विच वी जमाउणा चाहुंदी है अपने पैर। पंजाब दियां 2022 विधानसभा चोणां दे विच सूबे दे पूरे 23,000 पोलिंग स्टेशनां दे उत्ते लड़ेगी सिद्धी जंग। हुण जाणदे हां खबरां विस्थार दे नाल। किसानी अंदोलन पंजाब दे विच पूरे जोरां उत्ते चल रहा है। अजिहे विच केंद्र दे खेती कानूनां दे खिलाफ सारियां किसान जथेबंदियां हुण अपना अगला ते सब तो वड्डा एक्शन करन जा रहियां ने। किसानां ने ऐलान कर दिता है कि 50,000 ट्रैक्टर ट्रालियां दे नाल दिल्ली उत्ते धावा बोलिया जाएगा। इस ऐलान दे मगरों हरियाणा, दिल्ली ते केंद्र सरकार वास्ते मुश्किलां वध गईयां ने, इस करके सरकार भी एक्शन दे विच आ गई है, सख्त हुंदी नज़र आ रही है। किसान जथेबंदियां ने ऐलान किया है कि 26-27 नवंबर दिल्ली की घेराबंदी वास्ते जंगी पद्धर उत्ते तैयारियां चल रही ने। सूबे विच तकरीबन 13,000 पिंड हैं, हर एक पिंड दे विचों 4-4 ट्रैक्टर ट्रालियां लैके जाण दा प्रोग्राम बनाया गया है। इहदे नाल ही एक ट्राली दे विच खाने दा राशन, बैड ते होर चीज़ां भी होणगियां। इस मुताबक पंजाब तों 50,000 दे करीब ट्रालियां दिल्ली वल धावा बोलणगियां। इहदे नाल ही किसान जथेबंदियां ने यह चेतावनी भी दे दित्ती है सरकारां नूं, प्रशासन नूं, पुलिस नूं, कि जेकर रस्ते विच केंद्र ते हरियाणा सरकार ने किसानां नूं दिल्ली जाण तों रोकिया तां किसान उत्थे ही सड़क उत्ते चक्का जाम कर देणगे। इस स्थिति वास्ते जेकर कोई घटना वापरदी है, सारी स्थिति वास्ते सिर्फ ते सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेवार होवेगी। पंजाब दियां सारियां किसान जथेबंदियां ने अपनियां पूरियां तैयारियां कर लईयां ने दिल्ली विच धावा बोलण दियां, कि दिल्ली विच ट्रैक्टर ट्रालियां ले जा के रैली कीती जाएगी। पर उत्थे ही खबर यह भी आ रही है कि किसान जथेबंदियां नूं दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी दे रामलीला ग्राउंड विच रैली करन दी इजाजत नहीं दिती। इस बारे पुलिस ने किसान जथेबंदियां नूं जानकारी दे दिती है। सर्व भारत किसान संघर्ष सहयोग कमेटी नूं लिखे पत्र दे विच पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था, आवाजाई विच विघन ते कोरोना वायरस दे वधदे मामलियां दे मद्देनज़र 15 नवंबर तो लैके 27 नवंबर तक रामलीला ग्राउंड विच इकट्ठे होने की दिती गई अर्जी रद्द की जाती है। इहदे तो पहला किसान जथेबंदियां दे वलों जंतर मंतर उत्ते रैली करन दी इजाजत संबंधी दिल्ली पुलिस नूं लिखा गया सी, ते पुलिस ने पहला भी किसान जथेबंदियां दी इह अर्जी रद्द कर दिती सी कि जंतर मंतर उत्ते रैली नहीं की जा सकती। पर हुण दुबारा तो जिहड़ी ताज़ा कार्रवाई है कि पुलिस ने
जंतर मंतर तो बाद हुण रामलीला ग्राउंड मैदान दे विच ए रैली करनी सी किसान जथेबंदियां ने, पर वह अर्जी भी रद्द कर दी है। किसान उत्थे भी रैली नहीं कर सकते। ताज़ा कार्रवाई जिहड़ी हुण ये खबर आई है, इस तो बाद ये मन्निया जा रहा है कि केंद्र ते किसानां दे दरमियान टकराव होर वध सकता है, क्योंकि पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां समेत मुल्क भर दीआं 500 दे करीब जथेबंदियां ने 26 ते 27 नवंबर नूं दिल्ली विच किसानां दा वड्डा इकट्ठ करन दा ऐलान कीता है। कला पंजाब ही नहीं बल्कि सारे देश दीआं जथेबंदियां एकजुट होईआं पईआं ने, अजिहे विच ये टकराव होर वध सकता है। उधर पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां ने 13 नवंबर नूं दिल्ली विच केंद्रीय मंत्री खेतीबाड़ी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ते रेलवे मंत्री पीयूष गोयल दे नाल मीटिंग होई सी, ते उस मीटिंग दी समीक्षा करन वास्ते अज चंडीगढ़ विच एक मीटिंग सदी है पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां उहदे विच गलबात करनगियां। भारतीय किसान यूनियन डकौंदा दे जनरल सकत्तर जगमोहन सिंह ने दस्या है कि दिल्ली नगर निगम ते रामलीला कमेटी वल्लों किसानां नूं रैली करन दी इजाजत दे दित्ती गई सी, पर दिल्ली पुलिस दे वल्लों हुण जिहड़ी कार्रवाई कीती गई है, दिल्ली पुलिस ने मना कीता है कि उत्थे ये रैली नहीं हो सकती, ते उहनां दी इस कार्रवाई नूं निंदिया भी है। इस मामले उत्ते समूह किसान जथेबंदियां अज दी होर जिहड़ी मीटिंग हो रही है उस विच विचार चर्चा करनगियां कि की अगे फैसला लेना है। ये नाल ही खबर है कि अज पंजाब दे किसान जथेबंदियां दी जो चंडीगढ़ दे विच मीटिंग हो रही है उहदे विच कई वड्डे ते अहम फैसले लए जाणगे। एक ते दिल्ली पुलिस दे वल्लों रोक ला दित्ती गई है कि रामलीला ग्राउंड दे विच ये रैली किसान जथेबंदियां नहीं कर सकदियां, उस बाबत फैसला लिया जाएगा। फिर पंजाब दे विच रेल गड्डियां नूं चलण देना है जां फिर नहीं, इस बारे भी फैसला किया जाएगा। किसान जथेबंदियां ये फैसला लैणगियां कि की वह यात्री गड्डियां माल गड्डियां दे नाल ही चलण देणगियां जां फिर नहीं। किसान जथेबंदियां दी जो मीटिंग अज चंडीगढ़ दे विच हो रही है उहदे विच केंद्र सरकार दे मंत्रियां नाल जो गलबात हुई सी उहदे संबंधी भी विचार वटांदरे कीते जाणगे। अजिही स्थिति विच केंद्रीय सुधार मंत्रियां नाल मुलाकात दे बावजूद भी सूबे विच खेती सुधार कानूनां नूं लै के होए हंगामे तों बाद हुण सारिआं दी नज़र अज जो चंडीगढ़ दे विच मीटिंग हो रही है उस उत्ते टिकी हुई है। इस मीटिंग दे विच किसान आगू साथी संगठनां नूं कैबिनेट मंत्रियां दी मीटिंग बारे जाणू करवाउणगे। इहदे नाल ही इह वी तय कीता जाएगा कि केंद्रीय मंत्रियों नाल मीटिंग दे दूजे दौर विच केहड़े कदम चुके जाने चाहिए ने। दूजे दौर दी मीटिंग 21 नवंबर नूं होण जा रही है। पंजाब दे विच रेल गड्डियां दी आवाजाई बारे भी किसान संगठन फैसला करनगे। दस दईए कि यह मुद्दा किसानों के नुमाइंदियां अते केंद्रीय मंत्रियों के दरमियान हुई बैठक दे विच भी उठाया गया सी। इस दौरान किसान माल गड्डियां चलाउण दी गल कर रहे सी जदों के केंद्रीय मंत्री दोवें गड्डियां नूं इकट्ठे चलाउण उत्ते अड़े हुए सी। अजिही स्थिति विच दोवां धिरां विचाले कोई समझौता नहीं हो सकिया। इहदे नाल ही दस दईए कि सूबे दे विच कणक दी बिजाई भी हो रही है। किसान जथेबंदियां दे अंदोलन करके बंद पईआं रेलां नाल सूबे विच यूरिया संकट गहरा होण दीआं खबरां मिल रहीआं ने। इना ही नहीं सगो गुआंढी सूबियां जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के किसान भी इस तो प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इन दिनों के किसान की जड़ी कणक की फसल है उसकी बिजाई हो रही है, उसका आखिरी पड़ा है, तो इस करके किसानों यूरिए की बहुत जरूरत है। पंजाब दे विच DAP के भंडार करके कोई परेशानी नहीं हुई, पर यूरिया की घाट ने सीधे तौर उत्ते किसानों प्रभावित जरूर किया है। दसंबर तक 10 लाख मीट्रिक टन की यूरिया की लोड़ है, पर हुण तक यह सिर्फ दसिया जा रहा है कि 3.5 लाख टन ही उपलब्ध होया है पंजाब सूबे नूं। खेतीबाड़ी विभाग के संयुक्त डायरैक्टर डॉक्टर बलदेव सिंह ने कहा है कि क्योंकि माल गड्डियां चल नहीं रही, इस करके कुछ कंपनियां हरियाणा तक यूरिया मंगवा के अगे ट्रकां दे राही मुहैया करवा रही ने। नंगल अते बठिंडा दे NFL प्लांटां विच रोज़ाना 1000 टन रूड़ी तैयार की जा रही है, पर वह उन्हां दी लोड़ दे नालों किते घट है। जदों तक माल गड्डियां दी जिहड़ी आवाजाई है वह बहाल नहीं हुंदी उदों तक यह समस्या इस तरह बनी रहेगी। इस दौरान किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल ने जो बयान दिता है कि उन्होंने कहा है कि 26 ते 27 नवंबर नूं दिल्ली नूं घेरन की अपील जिहड़ी पूरे पंजाब नूं कीती गई है, ते अज दी होण वाली बैठक दे विच विचार वटांदरे कीते जाणगे। जदों तक माल गड्डियां पंजाब दे विच उन्हां दी आवाजाई बहाल नहीं कीती जांदी उदों तक इह समस्या सूबे दे किसानां वास्ते बनी रहेगी। सिखां दी सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिसका 100 साल पूरा हो गया है, एक सदी पूरी हो गई है इस नूं होंद विच आया, ते एक सदी पूरी होण तों बाद कल
अमृतसर विखे श्री दरबार साहिब विखे धार्मिक समागम करवाया गया सी। इसे नूं लैके इस नूं समर्पित के एक सदी पूरी हो चुकी है। इस शताब्दी समागम के दौरान वख-वख हस्तियां दे वल्लों SGPC दे शाना मते इतिहास दे बारे जानकारी भी दी गई, क्योंकि बहुत सारियां शहादतां तों बाद कई मोर्चियां तों बाद एक कमेटी होंद विच आई है। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कौम नूं संदेश भी दिता। उन्होंने सारियां सरकारां उत्ते पंजाब सरकार वड्डे वड्डे लीडरां दे उत्ते पूरी सिख कौम नूं इत्थों तक कि भारत सरकार नूं भी कई अपीलां कीतियां ने, सब दे उत्ते निशाना कसिया। अपने संदेश दे विच उन्होंने कहा कि इस समय SGPC नूं कई चुनौतियां दा सामना करना पै रहा है ते पहलां भी इह जिहड़ा सामना है ओह करना पिया है। साल 1984 दे विच वी सरकार ने SGPC नूं तोड़न दा काम कीता सी पर उसकी दाल नहीं गली ते अज फिर तों भारत सरकार SGPC नूं क्यों तोड़ना चाहुंदी है, क्योंकि SGPC एक आजाद स्टेट दा रुतबा रखदी है। इस करके SGPC भारतीय हुकमराना दी अख नूं चुभदी है। 328 गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन सरूपां दे मामले उत्ते विशेष तौर उत्ते बोलदे होए जथेदार साहिब ने कहा कि इस मामले विच विशेष जांच कमेटी बनाई गई सी, जिसने जांच करन तो बाद अकाल तख्त साहिब नूं रिपोर्ट भी सौंपी सी। बाद विच ए रिपोर्ट SGPC दी वैबसाइट उत्ते भी पा दिती गई। जेड़े शंके दर्शाए जा रहे सी इस रिपोर्ट नूं लैके, जेकर कोई पढ़ना चाहुंदा है तां ओह उत्थों पढ़ सकदा है। पावन सरूप रिकॉर्ड दे विचों कटे हन। दोषी मुलाजमां ने इन्हां दे पैसे खाधे ने, दोषी मुलाजमां नूं सज़ा भी दिती गई है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि इह प्रबंधकी मामला है, भ्रिष्टाचार दा मामला है, पर इस नूं बेअदबी दा मामला जानबुझ के बनाया जा रहा है। इह दोषी मुलाजमां ने बेईमानी कीती सी, उन्हां नूं मुअत्तल करके सज़ा दे दिती गई है। ते नाल ही उन्होंने दमदमी टकसाल उत्ते निशाना कसते हुए कहा कि दमदमी टकसाल गुटका साहिब छापदी है ते फिर संगत नूं वंडदी है। कि दमदमी टकसाल यह दस सकती है कि सरूप किन्ने ते कित्थे कित्थे दिते गए ने, गुटका साहिब जिहड़े उह कित्थे कित्थे दिते गए। इसे तरह 328 सरूपां दे मामले विच मुलाजमां ने सरूप संगत नूं दिते ने, पर यह नहीं दस्या कि कित्थे दिते ने, किन्हां नूं दिते ने। जथेदार ने कहा है कि जो लोग गुरु के दर उत्ते तलवारां लहरा रहे हैं वह दुनिया भर में सिखी नूं बदनाम कर रहे हैं। SGPC के गेटां नूं ताले मारन की घटना उत्ते जथेदार ने सख्ती भरे लहलहजे विच कहा है कि जे भविख दे विच किसी ने ताले मारन की कोशिश की तो SGPC के पुत्र होण दे नाते घरां विच ना बैठे रहे हो, अमृतसर साहिब वहीरां घत के आयो तां कि कोई भी SGPC के गेटां नूं ताले ना मार सके। जथेदार ने कहा है कि अज हिंदुस्तान विच लोकतंत्री सरकार नहीं है, सगों EVM मशीनां दे राही ही सत्ता उत्ते काबज़ होई है ते पता नहीं किन्ने होर साल एहो ही EVM मशीनां दे जरिए जो सरकार सत्ता दे विच आई है किन्ने साल काबज़ रहेगी पता नहीं। नाल ही उन्होंने कौम नूं समुची सिख संगत नूं इकट्ठे होण दी अपील भी की। हाल ही विच एक होर खबर चर्चा दे विच छाई पई है कि पंजाबी इंडस्ट्री दे मन्ने परमन्ने अदाकार योगराज सिंह, उन्होंने कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू नूं एक नसीहत दिती है। खबरां दे विच ये चर्चा है कि योगराज सिंह अपनी एक नवी पार्टी बनाउण जा रहे ने, पार्टी बना सकते ने, ते उन्होंने सिद्धू नूं कहा है कि वह कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के उन्हां दे नाल मिलके एक नवी पार्टी बनाउण, यह सलाह दिती गई है सिद्धू नूं योगराज दे वल्लों। योगराज ने नाल ही कहा कि जिस पार्टी विच रोजाना वह बेइज्जत हुंदा है उसनू छड्ड के साढ़े कोल आ जाए तो असी एक नवी पार्टी बनाईए, जिस तों बाद यह जताया जा रहा है कि योगराज सिंह एक नवी पार्टी बना सकते हैं। तो उन्होंने सिद्धू नूं भी नसीहत दिती है कि वह कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड देण जिहदे विच उन्हां नूं रोजाना ही बेइज्जत किया जाता है। खेती कानूनों के विरोध में योगराज किसानों की आवाज़ को बुलंद करने वास्ते गुरदासपुर के साडा पंजाब फैडरेशन के बैनर हेठ रोस रैली में शामिल होने वास्ते पुजे से फिल्म अदाकार गुगू गिल भी विशेष तौर उत्ते उत्थे पुजे। नौजवानों नूं एकजुट होण दी उन्होंने अपील भी की, नाल ही कहा कि यह संघर्ष किसी एक का नहीं सगों पूरे पंजाब का है, इस करके सब नूं एकजुट होना पवेगा। पंजाब दे विच धरती हेठले पानी का पद्धर लगातार घटता जा रहा है, यह एक संकट आ जिहड़ा पंजाब दे उत्ते छाया होया है, बाकी संकटां दे नाल नाल एक वड्डा संकट है। इसे संकट नूं देखदे होए हुण पंजाब सरकार ने कुछ सख्त कदम चुकण वास्ते एक ढांचा तैयार किया है। इसे तहत हुण सूबे दे उद्योगिक ते व्यापारक उद्देशां वास्ते धरती हेठले पानी बगैर इजाजत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जे इजाजत अटल कारना करके दिती जांदी है तां इस वास्ते भारी फीसां वसूलण दी योजना बनाई गई है। इहदे नाल ही खेतीबाड़ी
पीण वाले पानी ते घरेलू वरतों वास्ते धरती हेठले पानी दी वरतों उत्ते सरकार ने अपना रुख नरम ही रख्या है। इस नूं नवीं योजना तो बाहर रख्या है। सरकार ने दरअसल धरती हेठले पानी दी वरतों दे नाल नाल पानी दे भंडार नूं उत्साहित करन वास्ते योजना तैयार कीती है। पंजाब वाटर रेगुलेशन एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ने पंजाब भूमिगत पानी कढ़न ते संभाल दिशा निर्देश 2020 खरड़े दे तहत उद्योगिक ते व्यापारक उद्देशां वास्ते धरती हेठले पानी उत्ते लागू कीती जाण वाली फीस बहुत ज़्यादा लाई है। उद्योगों वास्ते है, ये आम लोगों वास्ते नहीं है। छोटे उद्योग जो कि धरती हेठले पानी का 10 क्यूबिक तक प्रतिदिन वरतते हैं उन्होंने फीसां दे विच छूट मिलेगी। खरड़े मुताबक सूबे के ओरेंज जोन विच 10 क्यूबिक प्रतिदिन धरती हेठले पानी 8 रुपए 10 तो 100 क्यूबिक वास्ते 18 रुपए 100 क्यूबिक तो वध वास्ते 100 रुपए ही अदा करने पैणगे। ये दरां येलो जोन विच क्रमवार 6, 14 अते 18 ते ग्रीन विच 4, 10 अते 14 रुपए होणगियां। इहदे तों इलावा वाटर कंजरवेटरां नूं क्रमवार 4 रुपए 3 रुपए ते 2 रुपए क्यूबिक फीस विच भी छूट दित्ती जाएगी। तो इन्हां तों इलावा होर सारे खर्चे भी बिल विच शामिल किए जाएंगे। अथॉरिटी संबंधित उद्योगों सिर्फ 3 सालों वास्ते धरती हेठले पानी कढ़न की इजाजत होगी जिसनों बाद विच रीन्यू करना पवेगा। दूजे पासे पंजाब दे पानिया दे मसले नू हल करन वास्ते 16 नवंबर तो लोक इंसाफ पार्टी दे वलों हरी के हेड तो पंजाब अधिकार यात्रा शुरू की गई है। एक तरह नाल ये लड़ाई जड़ी है लोक इंसाफ पार्टी दे वलों शुरू की गई है पंजाब दे पानिया नू लैके कि इसका बिल वसूलिया जाए। साडा पानी साडा हक पंजाब अधिकार यात्रा लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस की प्रधानगी हेठ शुरू हुई है। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी बैंस ने कहा कि जे राजस्थान मार्बल वास्ते बिहार असाम झारखंड कोला वास्ते मध्य प्रदेश सागवान की लकड़ वास्ते पैसे वसूल सकता है साढ़े को फिर पंजाब अपने पानी के पैसे उन्होंने कोलों दूजिया स्टेटा के कोलों क्यों नहीं लै सकता। उन्होंने कहा कि पानी राजस्थान किसी भी कीमत उत्ते मुफ्त नहीं दिता जाएगा ये पैसे वसूले जाएंगे जिस तरह बाकी जड़ा लकड़ है यह भी कुदरती कोला भी कुदरती है तो पानी भी कुदरती है जे वो साढ़े तो पैसे लेंदे ने तो फिर सानू भी पंजाब नू भी पानी के पैसे दूजिया स्टेटा तो लेने चाहिए ने। बैंस ने कहा कि सरकार राजस्थान तो पानी की जो हुण तक कीमत बनी है 16 लाख करोड़ रुपए वो जरूर वसूल करे ये पंजाब की तरक्की का ही राह जिहड़ा वो खुलेगा। पानी की लागत की वसूली करना पंजाब का एक तो कानूनी अधिकार है इस दे लई राज दे 20 लाख किसानां ते लोकां दे कोलों दस्तखत करा के कानूनी लड़ाई शुरू की जाएगी जो कि पंजाब दे विच शुरू हो चुकी है। बिहार चोणां दे विच शानदार जित तो बाद हुण भाजपा के हौसले मुड़ तो बुलंद हुंदे नज़र आ रहे हैं। भाजपा बिहार के नाल नाल पंजाब दे विच भी हुण अपने तौर उत्ते पैर जमाना चाहती है क्योंकि अकाली दल दे नाल उन्हां दा गठजोड़ टुट चुका है तो वह हुण अपने तौर उत्ते चोणां जिहड़ियां आ पंजाब तो लड़ना चाहती है अपने बंदे खड़े करके। बेशक किसान पंजाब दे विच केंद्र सरकार वल्लों लियांदे खेती कानूनां दा सख्त विरोध कर रहे हैं पर इस सब के बावजूद भी बीजेपी सूबे विच अपनी पकड़ नूं मजबूत करन वास्ते हर दिन नवीं तो नवीं रणनीतियां घड़ रही है। पंजाब दे विच अकाली दल दे नाल रिश्ता टुटन तो बाद सूबे दीआं सारीआं विधानसभा सीटां उत्ते भाजपा ने चोणां लड़न दा ऐलान कर दिता है। भाजपा दे जनरल सकत्तर तरुण चुग ने कहा है कि भाजपा पंजाब विच 2022 दीआं विधानसभा चोणां विच सारीआं 117 सीटां उत्ते चोणां लड़ेगी। पार्टी ने इस दी तैयारी जंगी पद्धर उत्ते शुरू कर दिती है। जमीनी पद्धर उत्ते भाजपा वर्करां नूं इकजुट करके सूबे दे 23,000 पोलिंग स्टेशनां उत्ते जथेबंदक ढांचे नूं मजबूत कीता जा रहा है। इहदे नाल ही उन्हां कहा कि भाजपा दे प्रधान 19 नवंबर नूं पार्टी दे 10 जिला दफ्तरां दा डिजिटली उद्घाटन करनगे। नाल ही 3 दिनां दी पंजाब फेरी दे नाल नाल चोणां दीआं तैयारियां दा जायजा लैणगे ते आउण वालीआं विधानसभा चोणां वास्ते पार्टी वर्करां नूं उत्साहित वी करनगे। सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा दी अगवाई विच पार्टी आगू पंजाब विच मोदी सरकार दीआं 160 लोक भलाई स्कीमां नूं हरमन प्यारा बनाउणगे। लोकां नूं सूबे विच कीते जा रहे कमां बारे जागरूक करनगे। भाजपा दे जनरल सकत्तर ने कहा कि पंजाब दीआं सारीआं 117 विधानसभा सीटां उत्ते चोण लड़न दी तैयारी जंगी पद्धर उत्ते भाजपा पार्टी दे वल्लों शुरू हो चुकी है। तकरीबन 2 महीने पहला अकाली दल ने कानूनां नूं लै के भाजपा दे नालों गठजोड़ तोड़ दिता सी। दोवां पार्टियां विच गठजोड़ दे समें सीट सांझे करन दे फार्मूले मुताबक भाजपा
13 संसदीय सीटां विचों 3 ते 117 विधानसभा हलकियां विचों 23 उत्ते उम्मीदवार खड़े करदी सी ते बाकी श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवार हुंदे सी, पर हुण सारियां सीटां उत्ते भाजपा अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पर देखना यह होगा कि पंजाब के किसान तो मोदी सरकार का भाजपा का इन खेती बिलों को लैके कई होर मसलों को लैके विरोध कर रहे हैं, तो इन चोणों के भाजपा की हार होंगी है जो कितनी सीटा लैके अगे रही है। खबरों के इस बुलेटिन के इना ही दोबारा मिलेंगे, तद तक के लिए दो इजाजत, धन्यवाद।